हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि ये पीएचपी का प्रोजेक्ट है, कोर पीएचपी से बना हुआ है। तो इसको कैसे आप होस्ट कर सकते हैं लाइव वीपीएस होस्टिंग जब आप यूज़ करते हैं तब। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट कुछ खास वैसे है नहीं, आपने ये प्रोजेक्ट पहले भी देखा होगा, कुछ नया नहीं है इसमें। ये प्रोजेक्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं। आप मेरे चैनल में जाइएगा, यहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये ऑनलाइन सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम पीएचपी माइस्किल प्रोजेक्ट, इसको ओपन करेंगे तो ये वाली प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, जहाँ पर मैंने हर एक कोड बताया हुआ है, हर एक स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताया हुआ है। तो इसको चाहें तो इसको देख सकते हैं। अभी इसको हम लोग करते हैं क्लोज, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है। और ये जो प्लेलिस्ट आप देखेंगे वो आप देखेंगे वीपीएस होस्टिंग पे, यानी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट है इस प्लेलिस्ट का, वीपीएस होस्टिंग डोमेन एंड वीपीएस होस्टिंग। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि वीपीएस कैसे परचेज करते हैं, कैसे एसएसएच की बनाते हैं, कैसे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स आप होस्ट कर सकते हैं अपाचे वेब सर्वर में, या फिर इंजनिक्स वेब सर्वर में, रिएक्ट कैसे होस्ट कर सकते हैं, जेंगो, लारावेल, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हुई। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको भी क्लोज करते हैं और आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ये वाला प्रोजेक्ट है हमारा, अगर मैं इसमें लॉग इन करूँ तो आप लॉग इन करके देख सकते हैं, एडमिन पैनल नीचे है, एडमिन लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करेंगे और एडमिन लॉग इन कर सकते हैं। तो एडमिन लिखा osms.com और इसका पासवर्ड क्या है, 2 3 4 5 6 आई थिंक। लॉग इन में क्लिक करते हैं, देखिए ये लॉग इन हो गया और ये इसका एडमिन पैनल है। तो ये एडमिन पैनल हो गया, अब इसको लॉग आउट करते हैं। इसी तरीके से आप इसका जो रिक्वेस्टर पैनल है उस पर आप, यानी कि यूज़र पैनल, उस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। ये sonam@osms.com पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक, पता नहीं पासवर्ड लिया या नहीं, ले लिया। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इसको भी लॉगआउट करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि आप इस प्रोजेक्ट को सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ जाकर आप इसको सीख सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और हम लोग आते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर मेरा यहाँ पर है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मैंने डी ड्राइव में इसको रखा हुआ है। यहाँ पर OSMS नाम से प्रोजेक्ट है, ये सोर्स कोड हमारा पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, और MySQL का फाइल यहाँ पर है। MySQL का फाइल मैंने, ये देखिए अपाची MySQL पहले से रन करके रखा हुआ है। मैं आपको इसको दिखाऊं कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हालांकि आप लोग को पता होगा, और फिर भी दिखाता हूँ कि लोकल से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। तो आपको लोकल होस्ट ओपन करना है, फिर PHP माई एडमिन, ये आपका तभी ओपन होगा जब आपका अपाची और MySQL ये रन करें आपके लोकल मशीन पर। उसके बाद आपको जाना है, मेरा न्यू SMS करके एक डेटाबेस था इस प्रोजेक्ट के लिए, उसको उस पर गए और एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे। देन एक्सपोर्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। बस ये वाली फाइल मैंने रखी हुई है बिकॉज़ वो भी मुझे चाहिए होगा। तो ये SQL की फाइल हो गई और ये मेरा प्रोजेक्ट का फाइल हो फोल्डर हो गया। दो चीज़ें हमें चाहिए होगी अपने रिमोट सर्वर पे इसको होस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं VPS यूज़ कर रहा हूँ, होस्टिंगर का VPS मैंने परचेज़ किया हुआ। अगर आप भी होस्टिंगर का VPS परचेज करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में एक लिंक पिन करके दे दूंगा, वहाँ से अगर आप क्लिक करके परचेज़ करेंगे, मतलब उस लिंक को क्लिक करके अगर आप परचेज करेंगे तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में डोमेन हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो डोमेन में यूज़ कर रहा हूँ बिग रॉक का, और इसका भी लिंक मैं वहीं पर दे दूंगा कमेंट में पिन करके। तब चाहे तो बिग रॉक से या होस्टिंगर जिससे आपको परचेज करना, लिंक को क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है, ये की शोज नोट्स, जिसे आप लोग देख सकते हैं। अभी इस पर क्या है, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हमें जाना है इस पर डेप्लॉय PHP प्रोजेक्ट इंजनक्स। यहाँ पर इंजनक्स वेब सर्वर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कर देते हैं हम लोग ओपन, और इस पर हम लोग हमारा फोकस रहेगा। कैसे क्या करना है सब कुछ मैं बताऊँगा, अब बस ध्यान से देखते जाइए और आप इंजनक्स वेब सर्वर में अपना PHP का प्रोजेक्ट होस्ट कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस पर मैंने बताया कि कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं PHP इंजनक्स को, इंजनक्स में कैसे PHP कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको ज़रूर से देख लीजिए, बिकॉज उसमें आपको बेसिक्स पता चलेगी। तो ये आप ज़रूर से देख लीजिए, साथ में देख लीजिए कि इंस्टॉल कैसे करते हैं PHP माई एडमिन, वो भी देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज हम लोग वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। सो हाउ टू पॉइंट डोमेन एंड डेप्लॉय PHP प्रोजेक्ट यूजिंग गिटहब ऑन इंजनक्स रिमोट सर्वर। इंजनक्स वेब सर्वर है हमारा, और इंजनक्स वेब सर्वर हमारा रिमोट सर्वर और VPS में इंस्टॉल किया हुआ है। क्या करना है, गेट एक्सेस टू रिमोट सर्वर बाय SSH। इस तरीके से पहले रिमोट सर्वर पर एक्सेस लेना है, बट मेरा सेटअप है तो मैं छोटा सा कोड लिख के इसको कर सकता हूँ। CMD पहले ओपन करते हैं, देखिए CMD ओपन किया, SSH राजा लिखूंगा और ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। मैंने बताया कि किस तरीके से आप ये सेटअप कर सकते हैं, और आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं, उतना लंबा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, IP पोर्ट वगैरह बस ना लिखिए और आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग रिमोट सर्वर के अंदर आप देख सकते हैं कि 122.04.1 LTS हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको चेक करना है कि जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है या नहीं आपके रिमोट सर्वर पे। जैसे कि इंजनक्स चाहिए वेब सर्वर तो ये होना चाहिए, PHP होना चाहिए, MySQL होना चाहिए, गिट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं वह देख लेते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं पहले इंजनक्स -V वो हमारा 1.22.1 ये हमारा है PHP, देखते हैं। PHP FM हमने इंस्टॉल किया था तो इसके समय PHP मिल जाता है, 8.1.2 हमारे यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हमें चाहिए, इसको क्या चाहिए हमें, इसके हमें चाहिए गिट, तो गिट -version, और यहाँ पर आपको गिट नहीं मिलेगा, गिट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा।
उसके बाद हमें देखना है माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल के लिए हम डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं, यू डैश पी, नहीं यूज़र हमारा क्या है राज, और डैश पी करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये है या नहीं, मैंने पासवर्ड लिखा, एंटर की प्रेस करेंगे और ये माई एसक्यूएल लॉग इन कर जाता है, मतलब माई एसक्यूएल भी है। एग्जिट करते हैं और इसको क्लियर करते हैं, गिट नहीं हमारे पास, गिट को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इंजन एक्स से पी एच पी है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इंजन एक्स से पी एच पी है, माई एसक्यूएल है, गिट नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया कि अगर जो भी नहीं है आपका उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं कैसे, जैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इंजन एक्स को इस तरीके से, पी एच पी नहीं है तो आप इस तरीके से पी एच पी एफ पी एम हमें इंस्टॉल करना होता है इस पर, इससे इसी समय पी एच पी मिलता है और एफ पी एम भी मिल जाता है। ये मैंने बताया है कि किस तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, ये इसमें बताया हुआ है। फिर इसमें लीम स्टैक पे कैसे इंस्टॉल करते हैं पी एच पी को, ये सब मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा था डीपली। फिर माई एसक्यूएल हमारा इंस्टॉल है ऑलरेडी, और गिट इंस्टॉल करना है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ ये पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए, पासवर्ड लिखना है तो पासवर्ड लिख देता हूँ मैं, और इंटर की प्रेस करते हैं और वाई के इंटर प्रेस, और इससे हमारा गिट इंस्टॉल हो जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए गिट हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अभी आना है और चेक करना है कि आपका इंजन एक्स वेब सर्वर सही तरीके से एक्टिव और रनिंग स्टेट में है या नहीं, इसके अलावा इसको कॉपी कर सकते हैं और इसको क्लियर करते हैं। मैं सूडो यूज़र हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रूट यूज़र नहीं हूँ, तो मुझे सूडो लगा के सारा काम करना पड़ेगा। सूडो सर्विस इंजन एक्स स्टेटस, और यहाँ पर आपको देखेगा एक्टिव एंड रनिंग, कंट्रोल सी प्रेस करके इससे बाहर आना है। उसके बाद आपको पोर्ट्स देखनी है, सूडो यू एफ डब्ल्यू स्टेटस पोर्ट, कि पोर्ट आपका एक्टिव है या नहीं, अलाउड है या नहीं, इसके लिए यहाँ ये पेस्ट कीजिए, सूडो ई एफ डब्ल्यू स्टेटस वर्बोस लिखिए, और यहाँ पर आपको 80 और 443 ये दो पोर्ट्स देखनी है कि आपके अलाउड है या नहीं। मेरे यहाँ पर अलाउड है तो बहुत अच्छी बात है, ये HTTP और एक HTTPS के लिए होता है, ये चीज़ें अलाउ होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अभी आप रिमोट सर्वर से एग्जिट कर जाइए, बिकॉज अब इसमें कोई काम है नहीं है, तो हम इसको एग्जिट कर जाते हैं, वापस से लॉगिन करेंगे जब हमारी आवश्यकता पड़ेगी, तब वरना ये टर्मिनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें उसको उससे बाहर आने में। तो ये हमने एग्जिट कर दिया, अब इसके बाद हमारा यहाँ पर है कि आपको लॉगिन करना है अपने डोमेन प्रोवाइडर पर, जो कि हमारे केस में बिग रॉक है, इस पर हम लोग लॉगिन ही है। और आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको मैनेज डीएनएस पे जाना है, तो अपने डोमेन पे पहले जाइए, मेरा डोमेन है sonamkumari.com, इस पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर आपको मैनेज डीएनएस का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप चेक कीजिएगा कि नेम सर्वर इसका जो है वो डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बिग रॉक का डिफॉल्ट नेम सर्वर ही सभी यूज़र के लिए सेम होता है, तो ये रहना ज़रूरी है जिससे कि प्रोपेगेशन सही तरीके से हो सके। अभी सबसे नीचे आइए और आपको मिलेगा यहाँ पर मैनेज डीएनएस, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ऐड करना है फॉलोइंग रिकॉर्ड्स, यानी कि दो ए रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, जिसमें ऐड सिंबल WWW के साथ करना है और IPv4 यहाँ पर वैल्यू में देना है। उसी तरीके से 4 times से रिकॉर्ड ऐड करने हैं, दो ऐड और WWW के साथ, इसमें IPv6 आपको देना। चलिए ऐड करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आना है मैनेज में, या फिर मैंने पहले से ऐड करके रखा है, बट मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऐड करते हैं। तो ऐड ए रिकॉर्ड इस बटन पर क्लिक कीजिए, आपका ये फॉर्म छोटा सा ओपन होगा, यहाँ पर होस्ट नेम आपका ऐड सिंबल लिखना है और यहाँ पर आपको IPv4 लिखनी है डेस्टिनेशन, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने VPS पे, यहाँ पर मैनेज में क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको IP मिलेगी ये वाली, या फिर आप यहाँ से ये वाली IP ले सकते हैं, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए, इसमें पेस्ट कीजिए और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए, आपका पहला ऐड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दोबारा से बटन पे क्लिक करना है, दोबारा से ये फॉर्म ओपन होगा, और अब की बार सिंपली आपको WWW यहाँ लिखना है, IP आपकी सेम रहेगी, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, और आपको दो रिकॉर्ड्स ऐड होकर दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद 4 times से रिकॉर्ड यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ ऐड 4 times से रिकॉर्ड इस बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऐड सिंबल लिखना है, और यहाँ पर आपको IPv6 लिखनी है, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी, ये वाली IP कॉपी कीजिए। उसके बाद इसी सेम जगह पर आइए, यहाँ पर पेस्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। फिर से ये फॉर्म आपको दोबारा से ओपन करना है, ऐड 4 times ए रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करके, और यहाँ पर WWW लिखना है, इस पर IP भी आपकी सेम रहेगी, IPv6, और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, आपको दो रिकॉर्ड्स ऐड होकर यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा 4 से 6 घंटे, जब तक ये प्रोपेगेट हो जाए सही तरीके से, ये डोमेन आपके इस VPS को पॉइंट करने लगे, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, 4 से 6 घंटे इसमें लग सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डोमेन है वो आपके VPS को पॉइंट कर रहा है या नहीं, उसके लिए आप DNS चेकर की कोई भी साइट ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने dnschecker.org ओपन किया, और यहाँ पर आप अपना डोमेन लिखना है, जो भी आपका डोमेन रहेगा वह, और यहाँ से ए सेलेक्ट करना है, सर्च में क्लिक करना है, और यहाँ पर जो IP दिख रही है, ये IP और ये IP आपकी सेम रहेगी, समझिए प्रोपेगेट हो चुका है। यहाँ आपको आपको दिख जाएगा कि किस किस कंट्री में किस किस जगह पर हुआ है और किस किस जगह पर नहीं हुआ है। उसके बाद आप 4 times ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, और ये वाली IPv6 और ये वाली IPv6 सेम रहेगी, तो समझिए कि आपका 4 times ए रिकॉर्ड भी आपका हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी होस्टिंग प्रोवाइडर पे आपको IPv6 नहीं मिलेगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ऐड करेंगे काफ़ी है, यानी कि
सिर्फ ये दो दो ए रिकॉर्ड ऐड कर लिया वही काफ़ी होता है। ये नहीं अगर प्रोवाइड कर रहा है आपका सर्विस प्रोवाइडर, तो इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। इसको करते हैं क्लोज। जैसे ही कोई डोमेन इस वीपीएस को पॉइंट करता है तो एक डिफ़ॉल्ट पेज उस पर अटैच हो जाता है, जो आप देख सकते हैं अगर आप अपने डोमेन को ओपन करेंगे। तो देखिए मैंने ओपन किया sonamkumari.com, तो ये वेलकम टू इंजनएक्स ये डिफ़ॉल्ट पेज है जो कि कॉन्फ़िगर किया गया इस वीपीएस में, और कहा गया कि कोई भी डोमेन अगर इस आईपी को पॉइंट करता है तो उसको ये वाली पेज दिखाई जाए। हमें क्या करना है, हमें इसी डिफ़ॉल्ट को हटाना है कि नहीं ये पेज ना दिखाया जाए बल्कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वह दिखाया जाए। तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, वही हमें सीखना है कि कैसे करते हैं। सो यहाँ तक का डोमेन का काम हमारा समाप्त हो जाता है और हम लोग आते हैं अपने इंस्ट्रक्शन में वापस से। ये काम खत्म। अभी कॉपी प्रोजेक्ट फ्रॉम लोकल मशीन टू रिमोट सर्वर और वीपीएस, हमें अपना जो प्रोजेक्ट है उसको लोकल मशीन में, अभी अभी आप देखेंगे मेरा ये डी ड्राइव पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और मैंने सबको रन करके दिखाया था। मेरा ये प्रोजेक्ट फोल्डर भी यहाँ पर है और डेटाबेस का फाइल भी है, तो ये अभी लोकल मशीन पे, इसको मुझे रिमोट सर्वर पे लेके जाना पड़ेगा, कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा उस पर। तो उसका क्या प्रोसेस, उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं बट मैं आपको दो प्रोसेस दिखा रहा हूँ। देयर आर टू वेज टू डू इट। पहला है यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, जिसपे हम लोग अपने लोकल मशीन में अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का एक जिप बनाते हैं, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके और ये कमांड रन करेंगे तो हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा हमारे रिमोट सर्वर पे, कॉपीड सक्सेसफुल्ली। फिर आप अपने रिमोट सर्वर पे एक्सेस लेके उसको अनजिप कर सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है गिटहब का यूज़ करके। गिटहब में क्या करेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट को पहले, अगर उसमें कोई गिट इग्नोर चाहिए फाइल तो उसको वह फाइल देंगे, फिर अपने प्रोजेक्ट को पुश कर देंगे गिटहब अकाउंट पे। यहाँ पर ये मेरा गिटहब का अकाउंट है जहाँ पर अभी कोई रेपो नहीं है, इस पर पुश कर देंगे और फिर कनेक्शन बनाएंगे अपने रिमोट सर्वर और गिटहब रेपो पे एसएसएच की जनरेट करके, फिर वहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेंगे, मतलब क्लोन कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो हमारे इस तरीके से भी जा सकता है। तो या तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को, या फिर गिटहब के थ्रू कनेक्शन बनाते हुए क्लोन कीजिए। ये दूसरा दूसरा तरीका हो गया। एक और तरीका हो सकता है कि फाइलजिला आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें FTP करके और उसका यूज़ कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मतलब अलग अलग सारे तरीके जानने की आवश्यकता हमें नहीं है। एक ये कमांड प्रॉम्प्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ और एक गिटहब का दिखा, बिकॉज गिटहब ज़्यादा यूज़ होता है, यह हमें वर्जन कंट्रोलिंग देता है। देखिए इसमें और फाइलजिला वाले में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आप या तो कमांड प्रॉम्प्ट से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, फिर फाइलजिला से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट से जो आप करते हैं और जो आप गिटहब का यूज़ करके करते हैं, इसमें इन दोनों में डिफरेंस है। गिटहब से अगर आप करते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट का वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि आज आपके प्रोजेक्ट का V1 वर्जन है, कल को V2 होता है, तो आप ब्रांचेस अलग अलग क्रिएट करके फिर अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग पुल करके अपना प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं। तो ज़्यादातर यूज़ होता है गिटहब आजकल, बिकॉज सभी प्रोजेक्ट को वर्जन कंट्रोल करना पड़ता है, प्लस ये काम आपका आसान बना देता है। अगर आप प्रोजेक्ट में कोई चेंज करेंगे तो इस केस में आपको पूरा फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जबकि इसमें सिर्फ आपको पुल करना पड़ता है और आपका काम हो जाता है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कॉपी पेस्ट करके, मतलब कॉपी करने का ये दो तरीका, या तो ये यूज़ कर लीजिए या फिर ये यूज़ कर लीजिए, बाकी इसके नीचे का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कीजिए। तो मैंने दोनों साथ में यहाँ पर लिया हुआ है ताकि आपको दो बार अलग अलग चीज़ें देखने ना पड़े। तो देखते हैं ये कैसे होता है, बातें कम करते हैं। और देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को लोकल मशीन से रिमोट सर्वर पर लेकर जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग ऑन लोकल विंडोज़ मशीन मेकर प्रोजेक्ट फोल्डर जिप फाइल, जैसे हम लोग यहाँ पर डी ड्राइव में आते हैं और ये OSMS हमारा प्रोजेक्ट है, इसका हम लोग जिप बनाएंगे। तो ऐड टू ओपन जिप, और ये लगभग इतने KB का है, तो ये हमारा जिप बन गया। अभी जिप बनने के बाद हमें क्या करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ऑलरेडी ओपन है, उसके बाद आपको कॉपी करना है इसको SCP का यूज़ करके। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमें हालांकि बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, पहले डी ड्राइव में चलते हैं। CD VPS ट्यूटोरियल, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं OSMS जिप डॉट जिप, ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है। अभी इसको करते हैं CLS और ये वाला पेस्ट करते हैं अपना जो हमारा है। तो SCP लिखा, -P कैपिटल में लिखना है 1034, और हमें यहाँ पर की भी डिफाइन करना पड़ेगा अपने SSH की, जिससे हमने रिमोट सर्वर का कनेक्शन बनाया हुआ वह की हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज हमने डिफॉल्ट की नहीं रखा हुआ, हमने इसका नाम चेंज कर दिया। उसका नाम था हमारा Raj AD 2519, ये आपको मिल जाएगा अगर आपको याद नहीं है। अब इसको सी ड्राइव में जाएंगे, आप सी ड्राइव में यहाँ सब जाएंगे यूज़र्स में, फिर आर में, फिर यहाँ से SSH, और यहाँ पर देखिए हमने की बनाया हुआ था, तो बस यही की मैंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो वह की हमने यहाँ पर लिख दिया जिससे कि कनेक्शन हमारे रिमोट सर्वर से सही सही बना पाए। तो SCP लिखा, -P 1034, हमारा की हमने मेंशन कर दिया, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है OSMS। मैं VVS ट्यूटोरियल के अंदर ही हूँ तो मैं इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकता हूँ बिना पाथ दिए हुए। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम लिखना है राज, और यहाँ पर आपको सर्वर की IP लिखनी है, और सर्वर की IP आपको मिलेगी यहाँ से।
तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया और यहाँ पर सिंपली पेस्ट करते हैं और कॉलन देना यहाँ पर लास्ट में ताकि होम पे हमारा पेस्ट हो जाए। सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और ये थोड़ा सा अगर समय लेता है तो समय आपको देना पड़ेगा और ये कॉपी हो गया। देखिए ये हमारा रिमोट सर्वर पर जा चुका है जिप फाइल। अब इसी के साथ हम लोगों का जो MySQL है इसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो फोल्डर कहाँ गया हमारा। ये MySQL की फाइल जो है न्यू OSMS डॉट SQL, ये फाइल भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं रिमोट सर्वर पर, बिकॉज उसकी भी हमारी आवश्यकता पड़ सकती है अगर हमें अपना लोकल डेटाबेस चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली सिर्फ इसको चेंज करेंगे, ये पूरा हटाइए और लिखिए न्यू OSMS.SQL इसका नाम है और इंटर की प्रेस करना है और ये भी हमारा चला गया। तो हमने लोकल मशीन से रिमोट सर्वर पे अपना प्रोजेक्ट फोल्डर और अपना MySQL का फाइल दोनों ही हमने कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है। अभी इंस्ट्रक्शन में आते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या आता है कि आपने कॉपी तो कर लिया, अभी आप क्या कर सकते हैं, अपने रिमोट सर्वर पे जाके इसको अनजिप करके देख सकते हैं। तो मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्विकली हम लोग जाएंगे SSH राज करके और ये रिमोट सर्वर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर LS करेंगे आपको दिख जाएगा आपका MySQL फाइल और आपका जिप फाइल। जिप फाइल को आप अनजिप कर सकते हैं, जैसे मैं अनजिप, अगर आपका इंस्टॉल नहीं हो तो आप पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा sudo apt install unzip, इससे आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। बट ये उबंटू के साथ ये मिल जाता है बाय डिफॉल्ट आई बिलीव। यहाँ पर लिखना है OSMS.zip, इंटर की प्रेस कीजिए, LS करेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए अपना प्रोजेक्ट फोल्डर, अभी इस जिप को आप डिलीट कर सकते हैं। अब लिखिए sudo rm-r osms.zip, बिकॉज जिप का कोई काम नहीं है, इसको हम लोग इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। LS करेंगे आपको बस एक प्रोजेक्ट फोल्डर दिखेगा और ये फाइल दिखेगी। CDOSMS करके अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, LS करूँ, तो आपको सारे प्रोजेक्ट फोल्डर्स यहाँ पर दिख जाएंगे, जो भी आपका वहाँ पर था वो आपका अब रिमोट सर्वर पर आ चुका है। तो ये पहला तरीका हो गया इसको कॉपी पेस्ट करने का, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को लोकल मशीन से रिमोट सर्वर पर लाने का। ये यहाँ तक ठीक है। अभी इसके आगे आप गिटहब का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ये मूव करने वाले से लेके यहाँ तक फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको चाइल्ड बनाया हुआ है कि कॉपी करने के दो तरीके, नंबर वन ये कमांड प्रॉम्प्ट का, दूसरा गिटहब का, और उसके बाद का ये जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा, चाहे गिटहब का यूज़ करो या फिर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गिटहब का यूज़ करके कैसे करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बिकॉज गिटहब से करेंगे तो फिर ये तो सेम आएगा ही, इसको रिमूव कर देते हैं। इसमें हम लोग करेंगे sudo rm-r osms, इंटर की प्रेस करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। ये SQL का फाइल रहने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ एक SQL का फाइल। अब हम लोग गिटहब का यूज़ करके कैसे अपने लोकल मशीन से यहाँ पर लाएंगे गिटहब के थ्रू होते हुए, वह देखिए, बिकॉज ये ज़्यादा यूज़ होता है, हम लोग इसको एग्जिट कर जाते हैं पहले और CLS। अभी यहाँ ये और दूसरा तरीका देखिए, ये हमने काम खत्म कर दिया यहाँ तक का और हमने रिमूव भी कर दिया। सिर्फ तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने लोकल मशीन से रिमोट सर्वर पे अपना प्रोजेक्ट। तो ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका जो कि गिटहब के थ्रू है, ओपन प्रोजेक्ट ऑन VS कोड एंड एड गिट इग्नोर फाइल इफ नीडेड और रिक्वायर्ड। तो प्रोजेक्ट हमारा ओपन है पहले ही, इसमें गिट इग्नोर का कोई फाइल क्रिएट करने की मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और पुश योर प्रोजेक्ट टू गिटहब अकाउंट, तो हमारा मेरा जो VS कोड है ये मेरा लिंक है पहले से मेरे गिटहब से, मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ और इसको पब्लिश टू गिटहब करूँगा और ये पब्लिश हो जाएगा। आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, ओके में क्लिक करते हैं। जैसे गिट कमिट वगैरह हम लोग करते हैं वह सारा आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस किसी तरीके से आपको अपने गिटहब पर लेके जाना है, इसको कमांड के थ्रू लेके जाएँ या फिर मेरी तरह इस तरीके से लेके जाएँ। तो मैं ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ बिकॉज ये ज़्यादा ईजी हो जाता है थोड़ा सा। अभी ये हमारा जा चुका है, आप इसको देखना चाहें अपने रेपो में तो जो भी रेपो हमारा लॉगिन होगा उस पर आप देख सकते हैं। रिफ़्रेश कीजिए, यहाँ पर अभी कोई नहीं था। अभी एक OSMS का प्रोजेक्ट प्राइवेट हमारा आ चुका है, तो ये सिर्फ मुझे दिखाई देगा, मैं लॉगिन हूँ, मैं इसका मालिक हूँ इसी वजह से, और किसी को दिखाई देगा। ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर आ चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी पुश कर दिया, अभी कहता है कि मेक ए कनेक्शन बिटवीन रिमोट सर्वर एंड गिटहब रेपो वाया SSH की। रिमोट सर्वर में आप उस प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकें, इसीलिए आपको दोनों के बीच कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो रिमोट सर्वर और गिटहब के बीच आपको कनेक्शन बनाना है, जैसे कि अभी हमारा लोकल मशीन और रिमोट सर्वर के बीच कनेक्शन बना हुआ है SSH की से, तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बड़ी आराम से। लेकिन हमारा रिमोट सर्वर हमारे गिटहब को नहीं जानता है, तो दोनों के बीच कनेक्शन बनाना पड़ेगा SSH की का यूज़ करके, फिर वहाँ से क्लोन कर पाएगा। तो पहले SSH करके हम लोग लॉगिन ले लेते हैं अपने रिमोट सर्वर पर। देखिए लॉगिन हो गया, उसके बाद आपको की जनरेट करना है। की जनरेट करने के लिए हम लोग इसको कॉपी करते हैं और फिर अपने इस रिमोट सर्वर पर आना है और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। और यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफायर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ गिटहब, और इंटर की प्रेस करते हैं और एक बार और इंटर की, बिकॉज इसी पाथ पे हमारा जनरेट होगा होम राज डॉट SSH और इस नाम से हमारा ये की जनरेट होने वाला है। इंटर की प्रेस करते हैं एक बार और इंटर की, एक बार और इंटर,
और हमारा की जनरेट हो गया। आप एलएस करके अगर यहाँ देखेंगे, नहीं एलएस नहीं, क्लियर करते हैं पहले, एलएस डैश ए तो आपको दिख जाएगा डॉट एसएसएच फोल्डर, इसके अंदर जाएंगे डॉट एसएसएच फोल्डर के अंदर में और यहाँ एलएस करेंगे तो आपको ये वाली की दिख जाएगी जो अभी जनरेट हुई है। आईडी ये प्राइवेट की हो गया और ये एक पब्लिक की हो गया, दो की हमें जनरेट होकर मिल गया। सॉरी गाइज, मुझे जाना पड़ा था थोड़ा सा, अभी मैं क्या बात कर रहा था मैं भूल गया हूँ। तो आई थिंक मैं बात कर रहा था कि अगर ये की अगर आप जनरेट करते हैं और आपको एरर मिलता है कि परमिशन डिनाइड, ठीक है, कि इस ये जो SSH फोल्डर है जिस पर कि हमारा की जनरेट होकर सेव हो रहा है वह उस पर आपको परमिशन नहीं है, तो उस केस में आप इसको रन कर लीजिएगा, sudo chown -r और अपना यूजर नेम लिखिएगा और डॉट SSH फोल्डर, फिर आप की को जनरेट करेंगे, आपका की जनरेट हो जाएगा। मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने रन नहीं किया इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिक की को कॉपी करना है, तो वो लिखे चलिए कॉपी करते हैं। पब्लिक को कॉपी करने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पर और कैट और पब्लिक की, ओके हमारे ये एक्सपायर हो चुका है, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही देर के लिए बाहर हो गया, कोई नहीं, इसको हम लोग वापस से कॉपी कर लेते हैं, क्लियर करते हैं और cd.ssh के अंदर चलते हैं। ls ये जो पब्लिक की है डॉट pub के साथ, इसको हमें कॉपी करना है, तो लिखेंगे कैट और id.pub, इंटर की प्रेस करेंगे, ये हमारा इस तरीके से हमें दिखेगा, बस इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक और कंट्रोल सी प्रेस करके इसको कॉपी कर लेना, बहुत ही इजी पीसी है। कॉपी कर लिया, उसके बाद आपको अपने गिटहब रेपो में जाना है, जो रेपो आपने क्रिएट किया उस पर, तो हमारा ये है रेपो OSMS, यहाँ पर आना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, डेप्लॉय कीज़ में जाना है, साइड बार से मिल जाएगा, फिर ऐड डेप्लॉय की बटन पर क्लिक करना है, अपने जब हमने जो कॉपी किया है ये वाला की उसको पेस्ट करना है, पेस्ट करने का आपको जगह मिल जाएगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा, फिर ऐड की पे क्लिक करना है जिससे आपका ये की ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग्स में जाना है और साइड बार से डेप्लॉय कीज़ में यहाँ पर, उसके बाद आपको मिलेगा ऐड डेप्लॉय की बटन, इस पर क्लिक कीजिएगा। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, मैंने की लिख दिया और जो की आपने कॉपी किया था अपने रिमोट सर्वर से ये वाली पब्लिक की, इसको बस यहाँ पर पेस्ट कीजिए और ऐड के में क्लिक कर दीजिए और ये आपका काम हो गया, ऐड हो गया, बहुत बढ़िया। अभी इसके बाद ये कहता है कि आपने ये काम तो कर लिया, अब आप क्लोन कर सकते हैं, हमारा कनेक्शन बन चुका है, अब हमें क्लोन करना है। क्लोन का मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वह पहले लोकल मशीन से कहाँ गया, गिटहब पे, अब गिटहब से क्लोन करके हम रिमोट सर्वर पे ले आएंगे। तो ये भी एक तरीके से कॉपी पेस्ट हुआ कि लोकल मशीन से अपने प्रोजेक्ट आप रिमोट सर्वर में लेके जा रहे हैं लेकिन वाया गिटहब लेके जा रहे हैं। तो चलिए क्लोन करके दिखाता हूँ, आपको लिखना है गिट क्लोन और जैसे SSH का रेपो SSH पाथ होता है वह लिखना है। तो गिट क्लोन पहले मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, कॉपी किया और इससे बाहर आते हैं, यहाँ पर नहीं करना है, सो क्लियर करते हैं। अभी देखिए ls करके देखेंगे तो अभी आपको सिर्फ एक SQL फाइल दिखेगा, गिट क्लोन लिखना है और यहाँ पर SSH पाथ लिखना है उस रेपो का जिस रेपो का आपको क्लोन बनाना है। तो आइए यहाँ पर इस रेपो में क्लिक करते हैं और कोड में यहाँ पर क्लिक किया, फिर SSH, फिर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे गिट क्लोन git@github.com और ये मेरा यूज़र नेम है, बस आपको इस तरीके से भी पेस्ट करना है इसको और इंटर की प्रेस कीजिए। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये क्लोन हो जाएगा, येस अगर पूछिए तो आप दे दीजिएगा, ये फर्स्ट टाइम पूछता ही है और देखते हैं ये होता है या नहीं, बिकॉज ये हो ही रहा है। फिर चलिए हो गया, इसको ls करके आप देखेंगे आपको यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट दिख जाएगा। तो अल्टीमेटली वही हुआ, कॉपी पेस्ट ही हुआ, बट ये गिटहब के थ्रू हुआ। उस पहली पिछली बार हमने क्या किया, पिछली बार मीन्स इस वाले पे जो नंबर वन पे मेरा था, इस पे हमने डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से कॉपी पेस्ट कर लिया था और दूसरे वाले पे हमने गिटहब का यूज़ करके किया। बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि प्रोजेक्ट लोकल मशीन से हमारा रिमोट सर्वर पे आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तक का हमारा काम खत्म, प्रोजेक्ट हमारा रिमोट सर्वर पे आ चुका है, चाहे आप कोई भी तरीका फॉलो करें। अब वो क्या करना है, मूव प्रोजेक्ट फोल्डर टू वेब सर्वर पब्लिक डायरेक्टरी, जो कि होता है var www, यहाँ पर आपको मूव करना है, उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आते हैं, हमारा ये वाला प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसे हमें मूव करना है, सो करते हैं पहले क्लियर। यहाँ लिखना है sudo mv और प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम जो कि OSMS, कहाँ मूव करना है, var www पे, इंटर की प्रेस कीजिए और इसमें पासवर्ड अगर मांगे तो पासवर्ड देना है। और देखिए अब यहाँ आपको ये नहीं दिखेगा OSMS, यहाँ देखने के बजाय अब आपको ये दिखेगा var www, यहाँ पर दिखेगा। HTML पहले से था ये एक प्रोजेक्ट और हमने अभी इस येलो प्रोजेक्ट को मूव किया हुआ है, तो हमारे यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए आपको वर्चुअल होस्ट फाइल क्रिएट करना है, जो आप क्रिएट करेंगे etc nginx sites available के अंदर में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद cd etc nginx sites available यहाँ पर आ गया मैं। अभी ls करके देखें तो अभी सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट के लिए है, तो हमें अपना खुद का एक क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए आप sudo nano और यहाँ पर कोई भी नाम लिख दीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ जो डोमेन का नाम रहता है वही, तो वह मैंने लिख दिया, इंटर की प्रेस करेंगे और ये फाइल हमारा नैनो एडिटर पे ओपन होगा। फिर आपको ये वाली कोड पूरी की पूरी कॉपी करनी है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ पर बस पेस्ट कर देना। पेस्ट करने में कुछ एडिट करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको एडिट करना पड़ेगा सर्वर नेम, ये IPv4 के लिए 80 पोर्ट है हमारा और ये IPv6 के लिए 80 है हमारा, तो हमारा ठीक है।
अभी सर्वर नेम यहाँ जो योर डोमेन लिखा है इसको हटाना है और यहाँ पर डोमेन लिखना है लेकिन बिना www के, तो sonamkumari.com लिखा और एक बार www के साथ लिखना है, तो यहाँ पर www.sonamkumari.com ये लिख दिया। अभी नीचे आइए और यहाँ पर आपको रूट में लिखना है, रूट ये जो रूट लिखा है इसको, इसमें योर प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी पाथ यहाँ पर लिखना है जो कि हमारा है /var/www/osms, तो ये लिख दीजिए। फिर इंडेक्स में हमारा कौन सा इंडेक्स फाइल रहेगा, इंडेक्स में हमारा इंडेक्स फाइल इसमें है, देखिए index.php ये वाली फाइल मेन फाइल है हमारा, एंट्री पॉइंट है, तो उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर .html होता तो आपको इसको, जैसे कि कभी कभी ये .html रहता है और index.php भी रहता था, अब इस तरीके से दोनों ही मैंशन कर सकते हैं, बट मैं श्योर हूँ कि मेरा ये index.php है तो मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ। बाकी ये लोकेशन इस तरीके से आपको लिखना है, फिर PHP के लिए कॉन्फ़िगरेशन आपको ये करना पड़ता है जिसमें आप फास्ट CGI के थ्रू अपने PHP फाइल को प्रोसेस करवाते हैं इंजनएक्स में, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट ओपन आउट द बॉक्स सपोर्ट नहीं करता, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। बस इसको एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको PHP 8.1 FPM यहाँ पर है या नहीं, आपका वर्जन कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो जो कि आप देख सकते हैं इस जगह पे जाके var/run/php पे जाएंगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगा, अगर आप चेक कर लीजिएगा वही फाइल आपको यहाँ पर मेंशन करना है। बाकी ये वाली फाइल हमारी रहती है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, और ये आपको एज इट इज़ ऐसा लिखना, बस इतना लिखिए, Ctrl+X प्रेस कीजिए, Y प्रेस कीजिए, Enter प्रेस कीजिए, और अगर CD ... करके एक बार मैं बाहर जाऊँ LS करके आपको दिखाऊँ तो ये वाली फाइल हमने वहाँ इंक्लूड करवाई थी। ओके, तो बस इतना ही करना है और हमें लिंक जनरेट करना पड़ेगा। हमने अभी इस फोल्डर के अंदर में अपना फाइल क्रिएट किया, हमें इस फोल्डर के अंदर में इसको लिंक बनाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, इनेबल वर्चुअल होस्ट और क्रिएट सिम्बॉलिक लिंक फॉर वर्चुअल होस्ट फाइल, जिसके लिए आपको इसको कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक का, कॉपी किया और यहाँ पर एक बार क्लियर करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ लिखना है sudo ln -s, फिर /etc/nginx साइट्स अवेलेबल के अंदर जो sonamkumari.com हमने भी वर्चुअल होस्ट फाइल बनाया उसका लिंक बना, किससे, /etc/nginx साइट्स इनेबल्ड, यानी कि इस फोल्डर के अंदर इसी नाम से, सेम नाम से बना दो, बस इतना ही लिखना है। इंटर की प्रेस करते हैं और हमारा लिंक बन गया होगा, आप इसमें जाकर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें साइट्स इनेबल्ड में ls करके, देखिए आपको एक फाइल यहाँ पर दिख जाएगी लिंक की हुई, तो इसके अंदर भी एक फाइल है और इसके अंदर भी एक फाइल है सेम नाम से। इस फाइल में कोई चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका असर देखने को मिलेगा, और ये फाइल इस कॉन्फ़िगर मेन कॉन्फ़िगर फाइल हमारा यही है, इसके अंदर में मेंशन है जिससे हमारा सारा काम होता है। तो बस सो क्लियर करते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। आगे है कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं, उसके लिए आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए सिंटैक्स इज ओके और टेस्ट सक्सेसफुल हमारा हो गया, तो कोई सिंटैक्स वाइज हमारा कोई एरर नहीं है। उसके बाद आपको sudo सर्विस इंजनएक्स को रीस्टार्ट करना है या फिर रीलोड भी आप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ आता हूँ और सिंपली हम लोग इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, sudo सर्विस इंजनएक्स रीस्टार्ट, इंटर की प्रेस किया और ये रीस्टार्ट हो गया। अभी हम लोग अपना वेबसाइट देखेंगे यहाँ पर जाके, तो कुछ ना कुछ आपको दिखना चाहिए, कम से कम ये डिफ़ॉल्ट पेज आपको नहीं दिखेगा, तो देखिए हमारा ये सारी चीज़ें दिख रही है बट हमारा डेटाबेस काम नहीं कर रहा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सब काम नहीं कर रहा, लॉगिन वगैरह ये सब काम नहीं कर रहा। सो ये सब काम करेगा अगर हम डेटाबेस सेटअप कर लेंगे, उसके बाद डेटाबेस में सेटअप करना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में कि यहाँ तक आ गया। अभी आप PHP में एडमिन के लिए सिम्बॉलिक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप इसको रन करेंगे तो आप PHP में एडमिन भी आप ओपन कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं अभी यहाँ पर लिखूँ /php में एडमिन तो ये पता था कि 404 नॉट फाउंड, तो आप इसको अगर चाहते हैं कि PHP में एडमिन आपका काम करे इस तरीके से तो उसके लिए आपको लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और इससे बाहर आते हैं पहले, इसको क्लियर करते हैं और इसको पेस्ट कीजिए, sudo ln -s /user/share/php-admin/var और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखेंगे जो कि हमारा OSMS है, तो ये हटाना है, OSMS ऐसे लिखिए और इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका काम हो गया। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हमारा ये काम करेगा, मैंने इसको इंटर प्रेस किया, देखिए PHP में एडमिन हमारा ओपन हो रहा है जिसपे आप लॉग इन कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहीं से, आपको कमांड लाइन से करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो जैसे कि मैं राज यूज़र से इसको लॉगिन करना चाहता हूँ, राज इसका पासवर्ड क्या है भाई, राज यूज़र से मैंने लॉगिन किया और देखिए लॉगिन हो गया, और यहाँ पर आप चाहें तो इम्पोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली अपने उस फाइल को अपने हार्ड डिस्क से ही, मतलब लोकल मशीन से ही चूज़ फाइल करेंगे, फिर आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं ईजिली, फिर आपका सारा काम हो जाएगा और आपको अपना प्रोजेक्ट डेटाबेस के साथ भी दिखाई देगा। बट मैं ऐसे नहीं करता हूँ, ये तो आसान तरीका, आपको आप चाहें तो यहाँ से यूज़र वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं और क्रेडेंशियल आपको चेंज करना पड़ेगा, बट ये तो आप कर ही सकते हैं, PHP में आपने कई बार किया भी होगा, अगर आप काम करते हैं लोकली भी तो हम लोग ये काम करते हैं कि इम्पोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। मैं आपको कमांड लाइन से दिखाता हूँ कि ये सारे कैसे करते हैं, बिकॉज हर जगह आपको PHP में मिलेगा नहीं, बट कमांड लाइन आपको हर जगह मिलेगा,
तो मैं इसको लॉगआउट कर देता हूँ, पहले लॉगआउट कर दिया और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में जो मैंने लिखा है उसको देखिए, लॉग इन इंटू माई एस क्यू एल, माई एस क्यू एल में लॉग इन लेते हैं यहाँ से, माई एस क्यू एल डैश यू, राज यूज़र सब करेंगे, ये एक तरीके से रूट यूज़र हमारा है, डैश पी, और यहाँ पर पासवर्ड मैंने गलत लिख दिया हुआ है, पासवर्ड लिख दिया, इंटर की प्रेस किया और हम लोग माई एस क्यू एल के अंदर है। अभी हम इसमें क्या करना है कि एक डेटाबेस यूज़र क्रिएट करना है, बिकॉज हम लोग एक यूज़र क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस यूज़र को ये डेटाबेस असाइन कर देंगे, ये यूज़र इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं कर पाएगा, तो हमारा ज़्यादा डेटाबेस ज़्यादा सिक्योर रहेगा, ऐसा काम करेंगे। सो एक यूज़र पहले क्रिएट करना है, फिर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, आप चाहें तो इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, और फिर क्रेडेंशियल हमें लिखना पड़ेगा अपने डीबी कनेक्शन डॉट पी एच पी फाइल पर, यानी कि अपने प्रोजेक्ट के इस फाइल पर, बिकॉज यहाँ पर इसको मैंशन करना ज़रूरी है, तभी हमारा ये काम करेगा वरना नहीं करेगा डेटाबेस। ओके, सो डेटाबेस यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन में जाएंगे यहाँ पर गीकी सर नोट्स, इंजीनियर से बाहर आइएगा, देखिए असाइन माई एस क्यू एल डी बी टू यूज़र, इसको ओपन करेंगे, ये आपका किसी भी वेब सर्वर के लिए काम करेगा, अपाचे वेब सर्वर या इंजीनियर वेब सर्वर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी रूट से लॉगिन कर चुके हैं, राज भी हमारा एक तरीके से रूट भी लॉगिन कर चुके हैं, अब एक नया हमें यूज़र क्रिएट करना है, उसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो क्रिएट यूज़र राहुल नाम का मैं यूज़र क्रिएट करूँगा, आप अपने नाम अपने मर्जी से कोई भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं, यहाँ पर आप इसको लेकर आएंगे और यहाँ से राहुल से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे राहुल से चेंज करके आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं राहुल ही रहने देता हूँ। फिर लोकल होस्ट, फिर आइडेंटिफाइड विथ कैशिंग एस एस सी टू पासवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, और बाई यहाँ पर ये पासवर्ड लिखा हुआ है तो ये आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। याद रखिएगा कि यूज़र नेम हमारा राहुल है और पासवर्ड इसका क्या है, बिकॉज ये हमें मेंशन करना पड़ेगा अपने इस फाइल पे, यहाँ पर यूज़र और पासवर्ड। ठीक है, तो सो नीचे करते हैं, अभी हमें बस इस पर क्या करना है, इंटर की प्रेस करना और हमारा एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। यूज़र क्रिएट करने के बाद आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, यहाँ से आप फॉलो कीजिएगा, देखिए यूज़र क्रिएट कर लिया, आप डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने बताया कि क्रिएट डेटाबेस लिखना है और डेटाबेस का नाम लिखना है, तो इसको पूरे को कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस वो एस एम एस डी बी इसी नाम का रखते हैं, इंटर की प्रेस किया और ये डेटाबेस भी हमारा क्रिएट हो गया। आप शो डेटाबेस इस तरीके से इसको देख भी सकते हैं, आपका ओ एस एम एस डी बी एक क्रिएट हो गया होगा। हो गया, अभी उसके बाद ये सारी चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं, और असाइन डेटाबेस टू स्पेसिफिक यूज़र हम लोग ये यूज़ करेंगे कि ये यूज़र इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आइए वो पेस्ट कीजिए, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन ओ एस एम एस टी वी, जो डेटाबेस का नाम था वही हमने यहाँ पर मेंशन किया, डॉट एस्ट्रिक्स देना है टू राहुल, जो यूज़र नेम था हमारा हुआ, बस इतना लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका हो जाएगा काम खत्म। ये कर लिया, उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं अपने माई स्केल से, तो एग्जिट कर जाते हैं बिकॉज अब इसमें कोई काम नहीं। बस याद रखिएगा कि हमारा डेटाबेस का नाम है ओ एस एम एस डी वी, हमारे यूज़र का नाम है राहुल और पासवर्ड इसका क्या था वो आपको याद रखना है। इसमें से एग्जिट कर जाते हैं और क्लियर कर दें, हम लोग अब रिमोट सर्वर के अंदर है ना कि माई एस क्यू एल के अंदर में। तो इतना कर लिया, इसका कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं। अभी इंपोर्ट डेटाबेस, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया कि इंपोर्ट कैसे करना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप इसमें देखेंगे ये गीकी सोर्स नोट्स में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं फाइल, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट एस क्यू एल फाइल, तो यहाँ पर आते हैं, इसको ओपन करते हैं और पहले आपको एक्सेस लेना है अपने रिमोट सर्वर पर, तो चलिए एक्सेस मतलब अपने रिमोट सर्वर पर नहीं, माई एस क्यू एल पर एक्सेस लेना है, चलिए लेते हैं वापस से, तो यहाँ पर आना है और माई एस क्यू एल डैश यू, और राहुल से लेते हैं, राहुल राहुल से नहीं लेते, राहुल आई बिलीव राज से लेते हैं, डैश पी, और इंटर की प्रेस किया, इसमें पासवर्ड दे देंगे, पासवर्ड दिया, हम लोग माई एस क्यू एल के अंदर में है। अभी इसके बाद आपको डेटाबेस हमारा ऑलरेडी क्रिएट है, तो क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, यूज़ करके आपको उसके अंदर जाना है, तो चलिए हम लोग उसके अंदर पहले चलते हैं, यहाँ से लिखना है यूज़ ओ एस एम एस डी बी, और अब हम लोग उसके अंदर में है, मतलब जो हमारा डेटाबेस है शो टेबल्स करेंगे, तो कोई एक भी टेबल दिखाई नहीं देगा, सारा टेबल खाली है, मतलब कोई टेबल है ही नहीं इसमें। उसके बाद आपको इंपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना है सोर्स और जो भी आपका पाथ होगा एस क्यू एल का, और हमारा एस क्यू एल कहाँ पर है, हमारा होम पर था, मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो एस क्यू एल का पाथ है वह है कहाँ पर, होम, ये मैं पूरा डाल देता हूँ, हमारा एस क्यू एल का पाथ था होम, फिर राज, फिर इसका क्या नाम था, न्यू ओ एस एम एस डॉट डी बी, तो बस ये लिखिए और इंटर की प्रेस कीजिए, और ये कह रहा है कि एरर ओपन टू फाइल, ओके हमने ये गलत लिख दिया हुआ है, हमें एस क्यू एल लिखना है यहाँ पर, न्यू मैं एक बार देख लेता हूँ पहले, मुझे भी ठीक से याद नहीं, इसको एग्जिट करते हैं और यहाँ पर एलएस करते हैं, लेकिन इसका नाम है न्यू ओ एस एम एस माई डॉट माई एस क्यू एल, ये वाली फाइल हमें यहाँ पर मैंशन करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो वापस से लॉग इन करते हैं माई एस क्यू एल पे, और माई एस क्यू एल पे लॉग इन करने के लिए हम लोग वापस इस पर जाते हैं, इस पर हमें फिर लिखना है यूज़ ओ एस एम एस डी बी, तो हम लोग इसके अंदर आ गए, शो शो
टेबल्स करेंगे तो कोई टेबल नहीं है। अभी हम लोग सोर्स लिखना है और लिखना है होम, फिर स्लैश राज, फिर स्लैश न्यू ओ एस एम एस डॉट एस क्यू एल, ये लिखिए, एंटर की प्रेस कीजिए और सारा देखिए हमारा इंपोर्ट हो गया। अभी शो शो टेबल्स करेंगे तो आपको सारे टेबल्स यहाँ पर दी जाएंगे लिस्ट होकर, जो जो भी हमारा टेबल था वो, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट नहीं करना होता तो हम लोग ये नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि हमें, हमने जो लोकल में डेटाबेस में डेटा रखा था वो हमें रिमोट सर्वर में चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे। अगर नहीं चाहिए कि जो लोकल में था डेवलपमेंट में, वो डेवलपमेंट में रहे, प्रोडक्शन में हमारा कोई और डेटा रहेगा, उस केस में ये इंपोर्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग वापस से यहाँ पर आते हैं, इसका और कोई काम नहीं है तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और आते हैं अपने इस इंस्ट्रक्शन पे। इंपोर्ट कर लिया। अब राइट डेटाबेस क्रेडेंशियल इन प्रोजेक्ट्स डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो कि हमारा डीबी कनेक्शन डॉट पी एच पी हो, आपको पता होगा अगर हमने इसको डेवलप किया होगा, तो मेरे केस में मुझे पता है कि इस वाले पे मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो आप इसको यहाँ पर लिख के पुश करके और फिर पुल कर सकते हैं अपने रिमोट सर्वर पे, या फिर आप इसको यहीं पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसको एग्जिट कीजिए पहले यहाँ से और क्लियर कर दें। उसके बाद सी डी वैर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, इसके अंदर चलिए एल एस करके ओ एस एम एस के अंदर चलना है, सी डी ओ एस एम एस, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये डी बी कनेक्शन डॉट पी एच पी, इसको ओपन करना है। तो सूडो नैनो db connection, ओके ये इसमें लिखना पड़ेगा कनेक्शन डॉट पी एच पी। इस तरीके से हमारा देखिए, ये लोकल होस्ट रहने देते हैं, देखते हैं कि ये काम करता नहीं, लोकल होस्ट पे काम करना चाहिए। यूज़र हमारा राहुल था तो आपको यहाँ पर राहुल लिखना है। पासवर्ड हमारा यहाँ पर था हेलो 1 2 3 4 5 6, और ये तो ये लिख दिया। न्यू ओ एस एम एस हमारा डेटाबेस का नाम नहीं था आई बिलीव, हमारा नाम था ओ एस एम एस डी बी, वो हमें देखना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ। हमने इंपोर्ट करते वक्त कुछ और लिखा था और बनाते वक्त कुछ और लिखा था, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक ये ओ एस एम एस डी बी होगा, तो ओ एस एम एस डी बी को चेक कर लेंगे। और पोर्ट हमारा यही रहेगा, अगर आपने कुछ चेंज नहीं किया हुआ तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट यही रहता है माई एस क्यू एल का। बस इतना लिखना है, कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, और एक बार माई एस क्यू एल में लॉगिन लेते हैं वापस से राज यूज़र के साथ। राज यूज़र के साथ नहीं, राहुल के साथ भी ले सकते हैं, राहुल डैश पी, और राहुल का जो पासवर्ड है वह लिख दिया, इंटर हो गए। शो डेटा बेसिस, तो राहुल सिर्फ जिसमें काम करेगा वही मिलेगा, तो ओ एस एम एस डी बी हमारा इस नाम का हमारा डेटाबेस है, तो वही नाम आपको मेंशन करना है। चलिए बढ़िया, हमने चेक कर लिया और आप वापस इस पर जाकर देखेंगे तो हमने ओ एस एम एस डी बी ही लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक है। कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए और फिर क्लियर करते हैं इसको। क्लियर करने के बाद आपको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना ये वाला सर्वर, तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इंटर की प्रेस किया, रिमोट सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो गया। अभी देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने ये ओपन किया और हार्ड रिफ्रेश कीजिएगा कंट्रोल F5, और आप देख सकते हैं कि हमारा सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, इमेज वगैरह भी हमारे डेटाबेस से आ रहा है और सब बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। आप एडमिन पैनल में जा सकते हैं, अगर नीचे आप देखेंगे एडमिन पैनल का लॉगिन है, यहाँ पर ये भी हमारा ओपन हो रहा है, और इसका था admin@osms.com और पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 आई बिलीव। लॉगिन में क्लिक करते हैं और ये लॉगिन हो जाता है, आप देख सकते हैं कि आप सही तरीके से ये पूरा काम कर रहा है। सो बस इसमें इतना ही है, ये हमारा होस्ट हो गया और इसमें कुछ नहीं है। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। कॉपी करने के मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर लीजिए या फिर गिटहब का यूज़ कर लीजिए, हमने दोनों ही तरीका देखा, पर हम लोग आगे लेकर गिटहब को ही चलें और हमारा PHP का प्रोजेक्ट डेप्लॉय हो गया। अभी इसको अगर आप ऑटोमेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको गिटहब से इसको डिप्लॉय करना जरूरी है। जैसे कि हमने गिटहब के थ्रू इसको डिप्लॉय किया है तो हम लोग इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, तो फिर हम लोग इसको ऑटोमेट नहीं कर सकते थे गिटहब एक्शन का यूज़ करके। तो आप चाहें तो आगे ये फॉलो कर सकते हैं और अपने गिटहब को ऑटोमेट बना सकते हैं। विच मीन्स अगर मान लीजिए कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट कहाँ गया भाई, ये तो मेरा तो ये प्रोजेक्ट है गिटहब का, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है, फिर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है। मैंने गिटहब के थ्रू क्यों किया, गिटहब के थ्रू मैंने इसलिए किया बिकॉज मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, उसको आसानी से अपने प्रोजेक्ट पे लेके जा सकता हूँ। जैसे कि वेलकम टू ओ एस एम एस है, अभी हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ये मेरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और डी ड्राइव पे जो है उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। मैं देखता हूँ एक्चुअली इसको ओपन करने की आवश्यकता नहीं, या तो हमारा ओपन ही है बस इसी में रहना, ये हमारा इस पे फिर मैं देखना चाहूँगा कि मेरा गिटहब इस पे है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको पब्लिश नहीं मिल रहा, मतलब यही वाला हमारा, यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मैं चेंज करना चाहूँ इंडेक्स पे आते हैं, अगर मुझे कुछ चेंज करने को मिल जाए तो ओ एस एम एस सर्विस नहीं, वेलकम टू ओ एस एम एस ये जो लिखा होता है इसको चेंज करते हैं। वेलकम टू ओ एस एम एस की जगह पर हम लोग लिख देते हैं गिकी शो, ये लिख दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये चेंज हमने अपने डेवलपमेंट में किया, ये हमें रिमोट सर्वर पर लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पर ये दिखना चाहिए चेंज होकर। तो ये कैसे करेंगे, अगर गिटहब का आपने यूज़ किया है तो फिर बहुत ही आसान है, अगर आप कितने गिटहब का यूज़ नहीं किया होता तो आपको क्या करना पड़ता, कमांड प्रॉम्प्ट से आप SCP चलाते हैं, ये वाला SCP चलाते हैं, यहाँ से जो मैंने दिखाया था आपको ये वाला SCP आपको चलाना होता है, फिर आपको OP पेस्ट करते हैं पूरा प्रोजेक्ट,
फिर आपका चेंज होता। लेकिन जो कि आपने गिटहब से किया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिटहब से अगर आपने किया तो आपने बस चेंज किया और फिर इसको आपको पुश करना है अपने गिटहब पे। तो हम लोग इसको लिख देते हैं चेंज, कमिट किया और इसको गिटहब पे पुश कर दिया, तो ये गिटहब पे चला जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ वेरीफाई करवा के गिटहब पे गया या नहीं। तो फिर इसको रिफ्रेश करेंगे, हमने चेंज किया इस इंडेक्स डॉट पी एच पी जिसमें फर्स्ट कमिट पे दिख रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा चेंज। और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आप इंडेक्स डॉट पी एच पी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा कहाँ पर था ये, पहले मुझे मिल जाए। देखिए वेलकम टू यूकी शोज यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है चेंज होकर। अभी हमारा गिटहब पे गया, अभी यहाँ से हमें रिमोट सर्वर पे लेके जाना जिससे कि हमारा ये यहाँ पर दिखे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रहना है और यहाँ पर लिखना है गिट पुल, इंटर की प्रेस कीजिए, जो भी चेंज होगा वह चेंज आपका यहाँ पुल कर लेगा वो गिटहब से। और देखिए यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी एच पी पे चेंज हुआ है तो उसको इसने पुल कर लिया। और फिर आप इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल F5 प्रेस कीजिएगा जिससे कि हार्ड रिफ्रेश हो ये, और देखिए आपका चेंज आपको दिख जाएगा। तो ये ज़्यादा ईजी हो जाता है मेनटेन करना जब आप चेंज वगैरह करेंगे उस केस में, इसलिए गिटहब के थ्रू ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। तो ये काम हो गया, अभी वापस से आप चाहें तो इसको SMS कर सकते हैं, बस पुश करना है और पुल करना है। यहाँ पर चेंज कीजिए, पुश कीजिए और रिमोट सर्वर पे आके पुल कीजिए और आपका चेंज आपको दिख जाएगा। तो ये एक बेनिफिट मिलता है अगर आप गिटहब के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं उस केस में। अब यहाँ जब आपको पुल करना पड़ रहा है अपने रिमोट सर्वर, कोई भी चेंज करते हैं फिर आप यहाँ पर आकर पुल करते हैं तब आपको दिखता है। इसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं कि पुल भी आपको आके नहीं करना पड़ेगा, बस आप अपने डेवलपमेंट में चेंज कीजिए और पुश कीजिए, बाकी पुल का काम और आप ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा ये इंस्ट्रक्शन जो नीचे यहाँ पर दिया गया है कि हाउ टू ऑटोमेट PHP प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट यूजिंग गिटहब एक्शन। इस पूरे को फॉलो करेंगे तो आप इसको ऑटोमेट कर पाएंगे। तो इसको दिखाता हूँ कि कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो हमारे यहाँ से शुरू होता है जिसमें लोग ऑटोमेट करना सीख रहे हैं कि कैसे अपने डेवलपमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं गिटहब एक्शन का यूज़ करके। लिखा है ओपन योर लोकल, ऑन योर लोकल मशीन ओपन योर प्रोजेक्ट यूजिंग VS कोड और एनी एडिटर, हमारा जो कि ओपन है पहले से ही। और यहाँ पर क्या करना है ये मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट अ फोल्डर नेम डॉट स्क्रिप्ट, एक फोल्डर क्रिएट करना है इनसाइड योर रूट प्रोजेक्ट फोल्डर। जैसे कि अगर आपका मिनी ब्लॉग अगर प्रोजेक्ट फोल्डर है, मेरा OSMS है, तो उसके अंदर में डॉट स्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर हमें क्रिएट करना है। फिर डॉट स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर में एक फाइल क्रिएट करनी है डॉट SH एक्सटेंशन के साथ। जैसे मिनी ब्लॉग अगर हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, मतलब रूट प्रोजेक्ट फोल्डर है, तो डॉट स्क्रिप्ट इसके अंदर होगा। फिर इसके अंदर में एक .sh नाम का कोई फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हमें पूरा फॉलो करना है और ये हमें क्रिएट करना है। उसके अंदर में ये वाली कोड पेस्ट करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर डॉट स्क्रिप्ट्स ये लिखा, फिर यहाँ राइट क्लिक करके डेप्लॉय डॉट SH ये लिखा। फिर हम लोग इस पूरे को कॉपी करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। इसमें कुछ खास है नहीं, एक बैश स्क्रिप्ट फाइल है ये जिसमें आपको एक को ये दिख जाएगा डिप्लॉयमेंट स्टार्टेड। फिर जो पुल हम लोग मैनुअली करते थे रिमोट सर्वर पर जाके, उसको हम लोग इस स्क्रिप्ट को रन करवा के करेंगे। तो बस वही हमने लिखा है गिट पुल ओरिजिन मास्टर, यानी कि ओरिजिन मास्टर ब्रांच से गिट पुल कर लो, आपको ये दिख जाएगा और ये भी दिख जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ दिखेगा। तो ये फाइल हमने क्रिएट किया, उसके बाद आपको इसको ऐड करना है, मतलब इसको परमिशन देना है। उसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे, जो फाइल आपने अभी बनाया उसको कहता है गिटहब कि आप ये वाला रन करके इसको परमिशन दे दीजिए ताकि रिमोट सर्वर पर आपको कोई दिक्कत ना हो उसको रन करने में। तो यहाँ पर नहीं आना है, हमें आना है यहाँ पर, और इसको मैं एग्जिट कर दूँ क्या, अभी इसको एग्जिट कर देते हैं बिकॉज ये किसी काम का नहीं है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर और स्क्रिप्ट्स फोल्डर में राइट क्लिक करना है और ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, जिससे कि ये स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको जाके ये ओपन करके दिखाएं। फिर जब आपने कॉपी किया था इसको पेस्ट कीजिए, गिट अपडेट डैश इंडेक्स डैश डैश एड डैश डैश सी एच मोड इक्वल प्लस एक्स और डेप्लॉय डॉट SH आपके फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम आप रखेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। एंटर की प्रेस कीजिए और आपका ये देखिए आपको ए यहाँ पर दिखेगा इंडेक्स एडेड, बस इतना करना है। इसको डिलीट कर देते इसका कोई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि आपको अब क्या करना है, क्रिएट डायरेक्टिव पाथ जैसे डॉट गिटहब डॉट डॉट गिटहब फोल्डर बनाना है। उसके बाद अंदर उसके अंदर में एक वर्क प्रोसेस नाम का फोल्डर बनाना है इनसाइड योर रूट प्रोजेक्ट फोल्डर। जैसे कि मिनी ब्लॉग अगर हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसके अंदर में डॉट गिटहब एक फोल्डर बनाइए, फिर उसके अंदर में वर्क फ्लोज एक फोल्डर बनाइए, और उसके अंदर में एक फाइल आपको क्रिएट करनी है डॉट YAML से। जैसे कि मिनी ब्लॉग हमारा अगर प्रोजेक्ट फोल्डर है, तो उसके अंदर में डॉट गिटहब बनाया, फिर वर्क फ्लोज फोल्डर बनाया, फिर इसके अंदर में एक फाइल बनाना है। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं बट डॉट YAML आपको अपना बनाना है फाइल का एक्सटेंशन। उसके बाद आपको ये स्क्रिप्ट लिखना है, ये आपको पूरा पाथ फॉलो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप गिटहब एक्शन यहाँ से बनाते हैं, जैसे एक्शन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये बाय डिफॉल्ट, जैसे मैं आपको PHP पे यहाँ पर कॉन्फ़िगर क्लिक करके दिखाता हूँ, तो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ये पूरा फाइल। बट यहाँ से मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ कि डेवलपमेंट आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं खुद से बजाय यहाँ आने के। तो ये पाथ हमें फॉलो करना पड़ता है। देखिए OSMS हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर,
डॉट गिटहब, फिर वर्क फ्लोस, देन आपका फाइल का नाम कुछ भी डॉट वाई एम एल एक्सटेंशन के साथ। तो यही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्रिएट करेंगे इस बात के साथ, तभी ये रन करेगा, तभी ये एक्शन उसको मानेगा वरना नहीं मानेगा, तो हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं बहुत सारे लोग, बट मैं यहाँ से क्रिएट करना आपको दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ से क्रिएट करने के बजाय हम लोग मैनुअली इसको क्रिएट कर रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है न्यू फोल्डर और लिखना है डॉट गिटहब, एक फोल्डर बन गया। राइट क्लिक कीजिए इसके अंदर में न्यू फोल्डर और लिखिए वर्क क्लोज, ये फोल्डर बन गया। इसके अंदर में एक फाइल में क्रिएट करना है डेप्लॉय डॉट वाई एम एल, या फिर अपनी मर्जी से कोई भी नाम रखिए, बट डॉट वाई एम एल आप इसका एक्सटेंशन रखेंगे। ये रखा, उसके बाद आपको आना है यहाँ पर और ये पूरा कॉपी करना है। इस पूरे को कॉपी कीजिए यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पर पेस्ट कर देना। यहाँ लिखा है डेप्लॉय, एक नाम लिखा हुआ है, और पुश होने पर ये ट्रिगर होगा हमारा वर्क फ्लो। वही हमने लिखा हुआ है कि पुश या पुल होगा तो ये ट्रिगर कर देना है। और इसमें होगा क्या कि ये एक्शन, ये जो वर्क फ्लो है, ये वर्क फ्लो जब भी रन करेगा तो ये हमारे रिमोट सर्वर पर एक्सेस लेगा और इस जगह पर जाएगा जहाँ पर हमें ये चेंज करना है। हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है OSMS, तो ये OSMS इस पर जाएगा CD करके, और फिर ये स्क्रिप्ट रन कर देगा, यानी कि ये वाली स्क्रिप्ट रन कर देगा। तो हम लोग जब कोई चेंज करेंगे तो उसको पुश करेंगे गिटहब पे, जैसे पुश करेंगे ये हमारे रिमोट सर्वर पे एक्सेस लेगा और CD करके इस जगह पर जाएगा और इसको रन करेगा, और ये क्या करेगा, ये सिंपली पुल कर देगा। तो जो मैनुअली हम लोग कर रहे थे पुल अपने पाथ पे जाके, प्रोजेक्ट पाथ पे जाके, वह अब इस स्क्रिप्ट के थ्रू होगा, वो भी ऑटोमेट पुश पे। तो ये हमने काम किया हुआ है, बस इतना करना है। और इसके लिए वैल्यूज देनी पड़ेंगी, जैसे होस्ट यहाँ पर क्या होगा, हमारा रिमोट सर्वर की IP होगी, यूज़र नेम क्या होगा हमारे रिमोट सर्वर का, जी यूज़र नेम वह लिखना पड़ेगा, पोर्ट क्या होगा हमारे रिमोट सर्वर का पोर्ट लिखना पड़ेगा, एक SSH की जनरेट करके हमें यहाँ देना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं उसको, इसको हटा के, और डायरेक्टली यहाँ पर IP लिख लीजिए 181, जो भी आपके सर्वर की IP है वह। लेकिन वैसे करने से क्या होगा, ये लीक हो सकता है। अगर ये पब्लिक फोल्डर पर रहे, जैसे कि ये रेपो हमारा प्राइवेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारा ये पब्लिक रेपो होता तो फिर सबको दिख जाएगा, बिकॉज ये तो अल्टीमेटली पुश होगा हमारे गिटहब पे। तो डायरेक्टली यहाँ ना लिख के हम लोग इसका इस तरीके से वेरिएबल बना रहे हैं, और इसका वैल्यू हम लोग क्रिएट करेंगे गिटहब पे, तो वहाँ से ये पुल कर लेगा, तो वहाँ से खींच लेगा इसका वैल्यू। तो दिखा दो कि कैसे करते हैं वह। उसके लिए आपको करना जाना है गो टू योर गिटहब रेपो, क्लिक ऑन सेटिंग, तो हम लोग रेपो में है, सेटिंग में क्लिक करना है। उसके बाद आपको सीक्रेट्स में वेरिएबल में जाना है, फ्रॉम साइड बार देन चूज एक्शन ऑन सीक्रेट्स टैब, क्लिक न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट, देन ऐड 4 सीक्रेट्स, होस्ट पोर्ट यूजर नेम SSH की, ये नाम वही हमने यहाँ पर लिखा हो, होस्ट यूजर नेम पोर्ट SSH की। तो चलिए हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। जैसे होस्ट में आप सर्वर की IP लिखेंगे, पोर्ट में सर्वर का पोर्ट लिखेंगे, यूजर नेम में सर्वर का यूजर नेम लिखेंगे। सर्वर का यूजर नेम अगर आपको नहीं पता तो आप सर्वर पर लॉगिन लेके हुए MI रन कर सकते हैं, आपको अपना यूजर नेम पता चल जाएगा। तो पहले यहाँ आते हैं सेटिंग्स में, यहाँ से नीचे सीक्रेट्स में वेरिएबल में जाना है, एक्शन में यहाँ पर क्लिक करना है, फिर सीक्रेट्स टैब में रहना है और न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट में क्लिक करना है, और यहाँ पर आप ऐड करना शुरू करेंगे। पहले होस्ट ऐड करते हैं, यहाँ सर्वर की IP जो आपको मिलेगी यहाँ से, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट करना है, और ऐड सीक्रेट पे क्लिक कर देना। ये एक हमारा ऐड हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको दूसरा जो कि हमारा पोर्ट, तो पोर्ट लिखा, और पोर्ट हमारा 1034 है मुझे याद है, ऐड सीक्रेट पे क्लिक करेंगे तो हमें पोर्ट हमारा मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से यूज़र नेम, तो यूज़र नेम, यूज़र नेम, यहाँ पर यूज़र नेम मेरा राज है रिमोट सर्वर का, मुझे याद है, तो मैंने ऐड सीक्रेट पर क्लिक किया और ये हमारा काम हो गया। तीन हमारे ऐड हो चुके हैं। अभी क्लास हमारा जो कि SSH की है वो हमें करना था, SSH की। यहाँ जो आप नेम लिखते हैं ये नेम, और यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है होस्ट हो, यूज़र नेम हो, पोर्ट हो, SSH की, वो सेम होना चाहिए एग्जैक्टली, वरना आपका ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर की में क्या लिखेंगे वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसे इसको जनरेट करना है। जनरेट SSH की फॉर गिटहब एक्शन बाय लॉगिंग इन टू रिमोट सर्वर, देन रन बिलो कमांड, और यू कैन यूज़ ओल्ड बट आई एम क्रिएटिंग न्यू। हम लोग एक नया क्रिएट करेंगे, पहले हमें SSH में लॉगिन लेना पड़ेगा अपने रिमोट सर्वर में, उसके बाद इसको कॉपी करेंगे। चलिए लॉगिन लेते हैं, यहाँ पर आते हैं SSH राज करके लॉगिन ले लेते हैं। देखिए लॉगिन हो गया, मैं इसका CD.SSH के अंदर मैं आपको जाकर दिखाऊँ, तो यहाँ पर पहले से एक की बना हुआ, देखिए ID और ये दो चीज़ें बनी हुई। अभी हमें अपना की यहाँ पर जनरेट करना है, तो हम लोग इसमें CD.dot करके पहले बाहर आते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करूँ मैं SSH कीजन डैश एफ होम राज डॉट SSH फोल्डर के अंदर में इस नाम से जनरेट करना है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, मेरा डिफॉल्ट नेम के साथ जनरेट हो जाएगा, और डिफॉल्ट नेम के साथ मेरा ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये रिप्लेस हो सकता है। इसलिए इस बार हमें इसका पाथ पूरा देना पड़ेगा, और फाइल नेम की का क्या फाइल नेम होगा वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद एल्गोरिदम ये होगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है एक आइडेंटिफायर, इसको इंटर की प्रेस कीजिए, इंटर की प्रेस करना है, पास फ्रेज नहीं देना, एक बार और इंटर, और ये हमारा जनरेट हो गया। आप इसको क्लियर कीजिए और CD.SSH करके इसके अंदर जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एक ये पब्लिक जनरेट हुआ,
पब्लिक की और ये हमारा प्राइवेट की जनरेट हुआ, ठीक है। अभी इसके बाद ये क्या है कि की जनरेट हो गया, अब आप अपने पब्लिक की को कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी करते हैं, उसके लिखना कैट और गिट एक्शन ये वाला .pup, इंटर की। अब इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, पहले कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद ये कहता है कि आप ओपन कीजिए ऑथराइज्ड कीज फाइल को, जो कि आपको मिलेगा .ssh फोल्डर के अंदर में, और पेस्ट कीजिए जो आपने कॉपी किया हुआ की। तो किस फाइल की बात हो रही है यहाँ पर, .ssh फोल्डर के अंदर में ये वाली जो फाइल है इसकी, इसको ओपन करना है। इसके लिए हम करेंगे नैनो और ऑथराइज्ड की, ये ओपन हो गया। एंड की प्रेस कीजिए, एक बार इंटर की प्रेस कीजिए, एक बार और इंटर, राइट क्लिक कीजिए, इससे आपका पेस्ट हो जाएगा जो आपने कॉपी किया था की हुआ, और यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। फिर कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, वाई प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना, और ये आपका सेव हो गया, ये काम खत्म। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना प्राइवेट की ओपन करना है और उसको पेस्ट करना है SSH यहाँ पर। तो पहले चलिए इसको कॉपी करते हैं प्राइवेट की को। तो यहाँ आना है कैट और गिट, ये हमारा प्राइवेट की हो गया, इसको किसी को दिखाना नहीं होता। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी करना है और यहाँ ये यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इसको ऐड सीट पर क्लिक कीजिए और ये आपका ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड हो गया, चार चीज़ें हमारी ऐड हो गई, जो हमारी रिक्वायर्ड थी वो हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद कंप्यूटर पुश करना है और फिर एक बार आपको इसको पुल करना पड़ेगा मैनुअली, उसके बाद ही ऑटोमेट हो जाएगा। तो पहले पुश करते हैं, यहाँ पर आते हैं, सारी चीज़ें सेटअप है हमारी। यहाँ पर आप अगर कोई और कमांड रन करना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, मेरे केस में सिर्फ एक गिट पुल ही रन करवाना है तो मैंने वही लिखा हुआ है। क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। यहाँ आइए, यहाँ लिखते हैं डेप, कोई भी कुछ भी कमेंट कमेंट में लिखिए और यहाँ से कमिट ऑल करते हैं। देन इसको पुश करेंगे, तो पुश करने के लिए पुश में यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हमारा जा रहा है कहाँ पर, गिटहब पे। तो ये गिटहब पे चला के, जैसे ही गिटहब पे जाता है वैसे ही हमारा एक्शन रन करेगा। आप यहाँ पर जाके इसको ट्रैक कर सकते हैं, एक्शन टैब में क्लिक करेंगे और हमने जो कमेंट लिखा था कमिट करते वक्त डेप, वही आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी क्यू में है, अभी इन प्रोग्रेस में चला गया। उसके बाद ये या तो फेल्ड होगा या फिर सक्सेस होगा। फेल्ड होगा तो आपको क्रॉस मार्क दिखेगा लाल रंग में, और अगर सक्सेस होता है तो चेक मार्क दिखेगा हरे रंग में, यानी ग्रीन कलर पे। ये हमारा भी फेल्ड हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों फेल्ड हुआ है, इसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं डिप्लॉय में, फिर ये डिप्लॉय टू सर्वर यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपको दिखाएगा यहाँ पर। देखिए ये कह रहा है कि ये क्या क्या CMD CD करके यहाँ पर ये रन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको मिल रहा है कि ये जो फाइल है ये नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि जो स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर में .ssh करके आपने बनाया था फाइल, वो इसको मिल नहीं रहा। तो ये मिलेगा कैसे, ये अभी तक रिमोट सर्वर पे गया ही नहीं है, ये सिर्फ अभी हमारे लोकल डेवलपमेंट से गिटहब पे आया हुआ है। वहाँ रिमोट सर्वर पे जाएगा, बिकॉज ये रिमोट सर्वर पे जाके इस जगह पे उसको रन करने की कोशिश कर रहा है, कि वहाँ पर है नहीं। आपको दिखाऊँ वहाँ पर, देखिए यहाँ पर cd var www OSMS, इसके अंदर चलते हैं और ls करें आप, तो यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा आपका फोल्डर .github या फिर .scripts। उसको हमें मैनुअली यहाँ पर एक बार कम से कम पुल करवाना पड़ेगा। तो एक बार पुल करते हैं, उसके बाद गिट पुल लिखेंगे, इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा पुल होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये मैंने लिखा हुआ होगा। देखिए आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में लॉगिन करने के बाद, और एक बार गिट पुल करना है, एक बार बस गिट पुल कीजिए और आपका काम शुरू हो जाएगा। तो ये गिट पुल आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये फोल्डर आ चुका है। अब इसको ls करके चेक भी कर सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा, नहीं यहाँ दिख रहा, हमें ls करके -a करके देखना पड़ेगा। गिटहब और स्क्रिप्ट आपको दिख जाता है। अब हम लोग अगर कोई चेंज करेंगे तो हमारा ये काम करेगा। तो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, index.php पे आते हैं और ये जो हमने गिट इश्यूज किया हुआ था उसको हम लोग वापस से OSMS कर देते हैं। सेव किया और इसको पुश करना है, तो नेम लिख दिया वो कमिट किया और यहाँ से पुश में क्लिक करेंगे। जैसे पुश में करेंगे वैसे ही ये गिटहब पे आएगा और हमारा एक्शन चल पड़ेगा। और एक्शन क्या करेगा, एक्शन रिमोट सर्वर पे एक्सेस लेगा, फिर cd var www OSMS करके हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाएगा और जो स्क्रिप्ट हमने लिखा था गिट पुल वाला वह रन कर देगा और वहाँ ऑटोमेटिकली गिट पुल हो जाएगा। हमें मैनुअली जाके अपने रिमोट सर्वर पे करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, वेट करते हैं कि ये सक्सेस होता है या नहीं। अगर सक्सेस होगा तो ही हमारा काम होगा, वरना नहीं होगा। ये फेल भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकता है, तो वेट करना पड़ेगा आपको। अभी इन प्रोग्रेस है, थोड़ा सा इसको समय दीजिए। और अभी हमारा देखिए गीकी शोज यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा चेंज होकर OSMS हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। देखिए हमारा ये हो गया, नेम पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिप्लॉय में क्लिक करेंगे और डिप्लॉय टू सर्वर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि डेवलपमेंट स्टार्टेड, जो आपने यहाँ लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में, ये वाली स्क्रिप्ट में आपको दिखता है ये डेवलपमेंट स्टार्टेड। फिर ये पुल करेगा, फिर आपको न्यू चेंजेस दिखेगा और डेवलपमेंट फिनिश दिखेगा। यहाँ से ये वाला देखिए डेवलपमेंट स्टार्टेड दिखा, फिर ये गिट पुल कर रहा है और पुल करने के बाद न्यू चेंजेस कॉपीड जो हमने लिखा था इको किया था वह, फिर डेवलपमेंट फिनिश्ड, तो हमारा काम हो गया होगा। अभी वहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल F5 प्रेस कीजिएगा जैसे कि हार्ड रिफ्रेश हो। और आपको यहाँ पर गिटहब देखिए, गिटहब से हमारा ये आ चुका है, OSMS आपको दिखेगा। तो बस ऑटोमेट हमारा हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, चेंज कीजिए और गिटहब में पुश कीजिए और वहाँ ऑटोमेटिकली पुल होकर आपको चेंज देखने को मिल जाएगा।
सो गाइज इसमें इतना ही है और कुछ खास है नहीं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं आगे और बस इसमें इतना ही है और कुछ है नहीं। तो ये हमने देख लिया कि पीएचपी का प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय करना होता है अपने इंजीनिक्स वेब सर्वर में। इसमें मैंने आपको कॉपी करने का दो तरीका बताया, एक कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, दूसरा गिटहब के थ्रू। अगर आप गिटहब के थ्रू करते हैं तो आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं गिटहब एक्शन के यूज़ करके, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए और आप बेहतर तरीके से इसमें काम कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।